हाय गुड मॉर्निंग, अभी बज रहा है सुबह का 9 और मैं हूँ नील आइलैंड में और हम जा रहे हैं नेचुरल ब्रिज देखने जो कोरल्स का है। और ये जो पाथवे है यहाँ पर, इन्होंने हमको बोला है कि चप्पल ही पहन के जाना है, शूज़ नहीं पहनना है क्योंकि बहुत शार्प हैं कोरल्स और पानी है घुटनों तक, तो चप्पल पहन ली हम लोगों ने और तैयार हो गए अच्छे से। कैप वैप लगा लिया है, गॉग्स ऑन। और यहाँ पे रास्ते में ऐसे छोटी छोटी शॉप्स हैं, अगर कुछ खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं। या यू कैन बाय आनो, ओके ये देखो जरा वॉट राइड। वेलकम टू लक्ष्मणपुर टू बीच नेचुरल ब्रिज लाइक दिस। ड्राइव नशा करते हैं। ये फ्रूट का साइंटिफिक नेम पैंडानस, लोकल नेम सी पाइनएप्पल। सी पाइनएप्पल फ्रूट हमारे लिए पॉइजनस फ्रूट है, ट्राइबल पीपल नशा करते हैं, नशे के लिए यूज होता है। हां ट्राइबल है कि नहीं है? इस आइलैंड पे नहीं है, बाराटांग में रहता है। सामने देखिए जो मड जैसा दिख रहा है सभी कोरल है, डेड कोरल। कोरल दो टाइप का होता है, एक सी प्लांट और एक सी एनिमल। एनिमल कोरल का आइज माउथ सब कुछ होता है, मूवमेंट करता है। प्लांट कोरल एक ही जगह पर रहेगा, साल में एक इंच बढ़ता है, लेकिन इसे लिविंग रहने के लिए 24 आवर्स पानी चाहिए। हाई टाइड लो टाइड होता है, पानी रोटेशन होता है। 24 आवर्स पानी नहीं मिलने की वजह से सब डेड हो गया। कोरल जब डेड हो जाता है रॉक बन जाता है, सारे रॉक बना हुआ है। लिविंग कोरल मैं आपको अंडर वाटर दिखाऊंगा। इन्होंने क्या बोला, प्लांट कोरल डेड हो जाता है तो पत्थर बन जाता है। हां तो रॉक बन जाएगा और क्या बनेगा, ये सब डेड कोरल है भाई। हां जब लिविंग को अलग अलग खेत में से और अलग कलर में, हम दोनों में बांध लेता हूं आपके लिए। पापा नीचे है, इसमें तो चप्पल पहनना भी मुश्किल लग रहा है। इसमें धस तो नहीं जाएंगे पैर, दलदल है तो क्या है। और एक कोरल सब आइलैंड पे नहीं होता है, टोटल 572 आइलैंड इन अंडमान। 37 आइलैंड्स पॉपुलेटेड, 37 में से एक आइलैंड वॉश आउट हो गया सुनामी में। इसमें 5400 लोग रहते हैं, पूरा लोगों का साथ वॉश आउट। और कोरल सिर्फ नील, हैवलॉक और नॉर्थ बे तीन आइलैंड पे, इसीलिए तीन आइलैंड को कोई अफेक्ट नहीं हुआ सुनामी में। कोरल, नील, हैवलॉक और नॉर्थ बे, नॉर्थ बे जॉली बॉय में भी है थोड़ा बहुत। इतना ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है ना, पूरा अप एंड डाउन। मेरी तो चप्पल ही ट्विस्ट हो गई दो तीन बार। चलना मुश्किल हो रहा है। कितना सुंदर बना ना, पानी जब इतना ऊंचा था वेव का प्रेशर सेंटर में लगता है, टूट के आर्च बन गया। ये ब्रिज शेप में आया, इसलिए नेचुरल ब्रिज। ब्रिज नहीं है ये, कोरल है, पूरा कोरल है। पर कितना सुंदर बन गया ना ब्रिज, इसके ऊपर कोई गया जाता है ऐसे? अलाउड नहीं है सर, आर्च एक ऐसा चीज होता है एक दूसरे का सपोर्ट नहीं होता, इसलिए कभी टूटता नहीं। चले मैडम आगे चलिए। उसका टेंटिकल मोटा होता है, वो सैंडी एरिया में रहता है, ये कोरल एरिया में रहता है। ये हार्मफुल नहीं है, हमें काटता भी नहीं है, आप चाहते तो ले सकते अपने हाथ में। लेना है जब इनका हाथ कट जाता है तो वापस, हाँ वापस ग्रो हो जाते हैं। अच्छा गुनू को ये पता है कि आज टूटेगा तो आज ही निकलना चाहिए। ये तुम लोग क्या उसमें है या रखते हो छुपा के? नहीं नहीं हर जगह पे, और भी चाहते तो मुझे नहीं लेना है। हाँ इसका माउथ है ये। अच्छा नीचे है स्टोमा, सैंड फंगस और वाटर खा के जिंदा रहता है मैडम। देखो क्या लाइफ है,
मैडम को लेना बेबी स्टारफिश देखो कितना बड़ा रॉक है एक्टिव है और भी अंदर है ना शौर्य ये पॉइजनस नहीं है और ये काटता नहीं है और ये मेरे हाथ से जो बैक्टीरिया है उसको खा रहा है अभी तुम्हारा स्पा चल रहा है क्या नाम इसे बताइए हनी बी कर रहे हैं थोड़ा नो नो बीच में थोड़ा थोड़ा डेड हो गया लोग इसको टच करके देखते हैं छूने की वजह से डेड हो गया इसके अंदर लाइफ होती है ना ये अंदर वो अपने हाथ के बैक्टीरिया उनके बैक्टीरिया को मार देते हैं हाफ डेड होने के बाद भी अगर कोरल को 24 आवर्स पानी मिल रहे तो ये दोबारा बन सकता है ये बन जाएगा साइड से कवर कर लेगा ये अच्छा ये भी मर गया इसका रीजन सर जब पूरा लो टाइड हो जाता ब्रेन कोरल ब्रेन कोरल आपने देखी कोरल ब्रेन कोरल इसके अंदर एनिमल है देखिए ये एनिमल बनाता है शंख को 20-25 साल टाइम चाहिए सर इसको इंग्लिश में पंजा शेल बोलते हैं हिंदी में पंचमुखी शंख पंचमुखी हाँ। एक मेडिसिन देने से एनिमल बाहर आ जाएगा फिर इसे सी में दोबारा छोड़ देता ताकि और एक शंख बना पाई फिर इस शेल को वॉश करके पॉलिश करेगा ऐसा शाइनिंग यहाँ पे भी लाएगा यहाँ पे होल बनाएगा फिर फूकने से बचेगा पकड़ के पंचजन्य शंख है ये दक्षिणमुखी पनी पंच दक्षिणमुखी है ना साउथ कॉइल मैडम ये कितना हैवी है पकड़ के देख वही बनाता है सर इसको बता अनु कितनी 10 साल लगा था 15-20 साल चाहिए सर हाँ और तभी तो महंगा होता है ना ये 600 रुपए भारी है बेटू 1.5-2 किलो उल्टा रखना एक मिनट नहीं ये बहुत डीप सी का चीज है मैडम शोर पे रेयर दिखता है बहुत क्रिसमस ट्री इसका नाम है टच बी नॉट फ्लावर मैडम इसे मैं टच करूंगा तो अंदर जाओ और आगे इसको करना है इस कोरल पे आ जाइए मैं एक बार करके दिखाता ये देखिए सब अंदर चला जाएगा लैंड में भी होता है छुई मुई अभी देखिए फर्स्ट सेकंड आ गया थर्ड भी आएगा मैं करूंगा कीड़ा पकड़ने के लिए होगा बेसिकली है ना नहीं नहीं वैसे ही है ये छुई मुई है नहीं है ये कीड़ा वगैरह पकड़ आते ही एनिमल टाइप का नियॉन फिश बोलते हैं रात को शाइन होता है अच्छा हो रहा उसकी टेल के ऊपर एक डॉट होती है पापा इधर से वो अंदर चले यहां भी यही है ना ये एनिमल है यार एनिमल है सर फ्लावर नहीं है एक्चुअली फ्लावर जैसा देखने में एनिमल है ये हां हां वो नहीं खाता आपका नहीं ये कीड़े पकड़ने के लिए इसका मैकेनिज्म है फट से कोई भी टीचर टच में आएगी ना ये यहाँ पे देखा अभी आ रहा है कोई करके दिखाऊंगा थोड़ा सा मैग्निफाई कर लो देखो कोई लकड़ी देगा ये हाँ हाँ कुछ नहीं करना है फ्लावर है मत करो देने तो आपको नहीं करना कोई बात नहीं आ जाओ आ जाओ पापा वो एकदम मेरे हाथ गया फिर पीछे चला गया मैं भी सुनना चाहता हूं सब काड़े करते हुए आ जाओ बाबा ध्यान से आना मैं इसलिए डर रहा हूँ बेटा मेरा पैर ऑलरेडी कटा हुआ है एक और फ्लावर है उससे बहुत बड़ा ओ ये है नहीं ये क्या है वही फ्लावर एक एक फ्लावर और वाओ ये रहता वाला ज्यादा खूबसूरत दिखता है बहुत सुंदर है कार्निवोरस प्लांट्स है एक्चुअली नॉट प्लांट्स कार्निवोरस एनिमल्स हैं देखो ना फिश रेड पांडा की तरह लग रहा है सुंदर है ना फ्लावर अब तक बहुत नया इधर चाहिए गुल्लू फोन को हाथ में लेना पड़ेगा ना खाने की तो जरूरी है यहाँ से वहाँ जा रहे हैं हम लोग मम्मा गिर जाऊंगी नीचे दोनों मिक्स होके 50-60 साल चाहिए एक मोती बनने के लिए एक मोती बनने के लिए 50-60 जब मोती बनने लायक होगा इसका साइज होगा इतना बड़ा यहाँ से निकल के और चलो 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 आ जाओ वहाँ से चलना है आ जाएगी आ जाएगी जंप कर लो आप लो आप आप
फिंगर कोरल का ट्री है, ये बहुत डीप है, बहुत डीप है। मछलियों को पता चल गया कि यहाँ पे खाना खाओगे, ये यही रहती है। और उनको पता चल गया हम इनको पार्मेजी खिला रहे हैं। पैर में स्पा हो रही है, पैर में स्पा हो रही है, ये हो रही है फिश स्पा, पैर रह गए, गुदगुदी हो रही है। मुझे मत काटना प्लीज। देखो सी अर्थ हुआ में ये पता है, मैंने इससे भी बड़ा अर्थ हुआ देखा है। इसका माउथ है, ये इसका आउटर है। क्या है ये? सी कुकम्बर। ये देखो माउथ कैसे हो सकता है जब क्यूकम्बर है? ये माउथ, अरे ये एनिमल है, नाम है कुकम्बर। और ये क्या कर रहा है? पॉट रहा है पापा के ऊपर। ही इज डूइंग हिज टॉयलेटी थिंग्स। पॉटी और यार पॉटी है ये? नहीं नहीं शुशु कर रहा है। उसके अंदर जो पानी है ना, पानी स्क्वीज करके निकाल देता है। डरता है, जब डरता है तो स्क्वीज कर देता है। हाँ स्लाइमी कोई नहीं, मेरे पास वो है, बाद में दे दूंगी। टच नहीं करना, टच करने से कांटा चुभेगा तो सेप्टिक हो जाएगा। सेप्टिक मतलब? सेप्टिक मींस गैस गैंग्रीन हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन, सेप्सिस, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसको मत टच करना। ही इज माय बैग मैन। और जब आप अंडमान जाएं तो इस तरीके से जो वहां दुकानों पर कच्चा आम, क्यूकम्बर और स्टार फ्रूट मिलता है मसाला डालकर, उसे खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो ये था नील आइलैंड का नेचुरल कोरल ब्रिज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप एंजॉयिंग। बाय।